अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सब के नजर। T9 न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ अपने अभियान को पूरे देश में चलाया है। आज वो जेल के अंदर गए हैं दोबारा। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते। जाने से पहले ये भी कह के गए हैं कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे, भगत सिंह भी जेल गए थे और हम भगत सिंह के चेले हैं, इसलिए हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। इसी गाड़ी में आगे रखा जाए भाई। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल पे 21 दिन के लिए बाहर आए थे, उन्होंने इस तानाशाही के खिलाफ अपने अभियान को पूरे देश में चलाया है। आज वो जेल के अंदर गए हैं दोबारा और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख के बाद जिस तरह से तानाशाही का खात्मा होने जा रहा है, जल्दी वो बाहर आएंगे। तबीयत ठीक है मुख्यमंत्री जी की? जाने से पहले जेल जाने से पहले जो उनको प्रॉब्लम थी वो तो कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। अब कोर्ट के फैसले के अनुसार फिर आगे कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी। इस 21 दिन में अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया और आज हम न्यायालय का सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया है। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते, इसलिए जैसा न्यायालय का आदेश था अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया है। जाने से पहले ये भी कह के गए हैं कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे, भगत सिंह भी जेल गए थे और हम भगत सिंह के चेले हैं, इसलिए हम जेल से डरने वाले नहीं हैं।